वेलकम टू रजा टेक्निक। इस्लामिक बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एडीसीबी बैंक में आपने पासपोर्ट और एमरेट्स आईडी दो ही डॉक्यूमेंट्स से आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। सीबीडी बैंक में सिर्फ एमरेट्स आईडी से ओपन कर लिया है। लेकिन इस तरीके से शारजा इस्लामिक बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें किसी भी तरीके के कोई पैसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंट आप इतनी आसानी से नहीं ओपन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए शारजा इस्लामिक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप पाकिस्तान नेशनलिटी के हैं, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आप शारजा इस्लामिक बैंक डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर महीने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का चार्ज आएगा। अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप शारजा इस्लामिक बैंक में डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बैंक को ओपन करने के लिए आपको चार तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ पहले गौर से समझ लीजिए, आपकी पासपोर्ट, आपकी एमरेट्स आईडी, तो ये दोनों चीज़ आपके पास आसानी से मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको ये दोनों चीज़ स्कैन करके आपका अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ दो और डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको कुरियर वाला जब भी आपको आपके घर पे होम एड्रेस पे आपको कार्ड डिलीवर करने आएगा, आपका डेबिट कार्ड, उस टाइम ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहली चीज़, आपको पासपोर्ट और एमरेट्स आईडी के अलावा आपके पास सैलरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 800 दिरहम है, अगर आपकी सैलरी 1000 दिरहम है, अगर आपकी सैलरी 5000 दिरहम है, जितनी भी है, अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास जो है आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में आप समझेंगे, भाई दुबई में मैं एड्रेस प्रूफ कैसा लेके आऊँगा? तो उन्होंने बताया है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई एक रूम में अगर 6 लोग रहते हैं, तो वो 6 लोग में से किसी एक ही लोग के नाम पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी के 5 लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। वो बोले अगर उनके पास किसी भी अदर बैंक का स्टेटमेंट है तो वो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो किसी भी तरीके के जो है कन्फर्मेशन दे सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने बताया है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये चौथा नहीं है तो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे ये चीज़ सॉर्ट करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट ये 3 चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी और आपके सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी सैलरी 800 है, अगर आपकी सैलरी 1000 दिरहम है, फिर भी आप शारजा इस्लामिक बैंक में अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके के मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप शारजा इस्लामिक बैंक में अगर आपका डिजिटल अकाउंट है, तो आप जितनी दफ़ा चाहें मंथ में अनलिमिटेड बार, एक दफ़ा या दो दफ़ा या 100 दफ़ा आप इंडिया पैसे भेज सकते हैं, जिसका किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है, सवाल है, या आप भी कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्वेरी को वीडियो बना करके भी सॉल्व कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।